हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिस्कस करने वाले हैं, नॉन मेटल्स और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन मेटल की। तो जो नॉन मेटल होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो नेगेटिव आयन बना लेता है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो ऐसा कर पाता हो उसको हम नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक, तो अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो हम इसे इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, दोज एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन्स By gaining electrons are called non-metals, ठीक है। और example जो है इसके हो गए वो है carbon, oxygen, hydrogen और ऐसे ही जो भी element होंगे जो negative ion बना सकते हैं। तो इसमें पहली property discuss करते हैं malleability की। तो हम ये देखेंगे कि जो non-metal होते हैं वो malleable होते हैं कि नहीं होते हैं। तो malleability हम पहले भी discuss कर चुके हैं कि अगर हम किसी भी element को beat करें और beat करने पे अगर उनको हम thin sheets में अगर change कर पाए तो उसको हम मेलिएबल बोलते हैं और उस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऐसे होते ही नहीं है नेचर में कि हम उनको बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर पाए। ठीक, तो इसलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं नेचर में। ठीक, तो हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल इन नेचर। ठीक है, तो अब बात करते हैं डक्टिलिटी की। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं नेचर में। ठीक है, और डक्टिलिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसको बीट करने पे हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सके उसको हम डक्टाइल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें नॉन मेटल्स की तो वो डक्टाइल नहीं होते हैं नेचर में, एक्सेप्ट जो हमारा डायमंड होता है जो कि एलोट्रोप है कार्बन का, सिर्फ वो डक्टिलिटी दिखाता है। ठीक, तो हम इस टाइप से कह सकते हैं कि नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल इन नेचर एक्सेप्ट डायमंड विच इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ब्रिटलनेस। तो अगर किसी भी एलिमेंट को हम हथौड़े से पीटें और हथौड़े से पीटने पे वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो ब्रिटल है नेचर में। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली ब्रिटल होते हैं नेचर में। तो हम कह सकते हैं नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर, दैट इज इफ दे आर हैमर्ड दे ब्रेक इनटू पीसेस। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए सल्फर एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रिटल होता है नेचर में। तो बात करते हैं अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं लस्टर। तो लस्टर जैसे कि हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट की सरफेस शाइनिंग सरफेस हो तो उसको हम कहते हैं कि उस एलिमेंट में लस्टर है। ठीक है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली नॉन लस्टरस होते हैं। ठीक है, यानी उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग सरफेस नहीं होती है। सिर्फ कुछ ही ऐसे एलिमेंट हैं या नॉन मेटल्स कह लीजिए जो लस्टरस होते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, तो बस सिर्फ कुछ ही ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिसमें लस्टर होता है, बाकी सब नॉन लस्टरस होते हैं। तो बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि किसी भी एलिमेंट के थ्रू अगर करंट और हीट आसानी से पास करती हो तो हम उसे कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली और थर्मली कंडक्टिव है। तो अगर बात करें नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल्स के थ्रू ना तो करंट आसानी से पास कर पाता है और ना ही उसके थ्रू हीट पास कर पाती आसानी से। तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिकली और थर्मली कंडक्टिव नहीं होते हैं उतने। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इसमें एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो भी एक नॉन मेटल है लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक, तो बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत लो होता है, लेकिन अगर जो नॉन मेटल्स हैं अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नॉर्मल से ज्यादा होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट नॉन मेटल्स इन सॉलिड स्टेट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी वो है फिजिकल स्टेट, यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो देखने में कैसे होते हैं। ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं नेचर में, सिर्फ डायमंड ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है नेचर में। तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर एक्सेप्ट डायमंड विच इज हार्ड इन नेचर। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया नॉन मेटल की डेफिनेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसके बेसिस पे हम आसानी से नॉन मेटल्स को पहचान पाएंगे और उसको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच।